हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल पेट के रिसर्च में आपका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम ऑलरेडी डॉग के आईएम इंजेक्शन के साथ लगा इसके बारे में वीडियो बनाई थी। उसके बाद हमने डॉग को आईवी कैनुलेशन है आईवी फिक्स लगा के आपको किस तरह से फ्लूड देना है इसके बारे में वीडियो बनाई थी। तो काफी लोगों ने हमें ये भी पूछा था कि सर डॉग को वैक्सीन जो लगाते हैं, रेबीज लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें ऑल इन ऑन वैक्सीन जो लगाते हैं इसके लिए, तो फ्रेंड इसमें सबकट साइट जो होती है कौन सी सबसे अच्छी होती है और हमें यहाँ पर जो साइट है वहाँ पर इंजेक्शन लगाना सीखा। तो फ्रेंड चैनल को नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, हमारे नए वीडियो देखते हैं। शुरू करते हैं। तो फ्रेंड हमारे बहुत सारे वेटनरी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पर इंजेक्शन लगाने के साइज के बारे में पूछा था, उसके बारे में बताने वाले आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली। तो ध्यान में रखिए, आपको जब भी सबकट इंजेक्शन कब लगाना पड़ता है, जनरली देखिए हमें रैबिस का वैक्सीन आता है, ठीक है, तो डॉग्स में जो रैबिस का वैक्सीन आता है इस तरह से, ये रैबिस का वैक्सीन जब लगाते हैं हम उसको, उस टाइम पे हमको सबकट इंजेक्शन लगानी पड़ती है। और दूसरा जो इंजेक्शन होता है ऑल इन वन इंजेक्शन आता है, ठीक है, तो जनरली हम डॉग्स में ये भी लगाते हैं, ठीक है, तो ये ऑल इन वन इंजेक्शन जो होता है ये भी सबकट रूट में जाता है। और जो बाकी जो इंजेक्शन है जो हमें स्किन के नीचे लगवाने हैं उसमें बताने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड सबकट इंजेक्शन जब भी लगाते हैं उसमें चार साइड से यहाँ पर आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली साइड जो आती है यहाँ पर हमें, सबसे पहले साइड जो आती है स्कल्प की साइड आती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लूज स्किन होती है, ठीक है, तो वहां पर हमें उठा के यहाँ पर ऊपर उठा के यहाँ पर टेंट बना के आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है, तो ये हमारी पहली साइड होगी। उसके बाद दूसरी जो साइड होती है ये साइड ऑफ चेस्ट, ठीक है, ये चेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर, तो चेस्ट के साइड में यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ पर हमें टेंट बना के यहाँ पर आप स्किन में आप यहाँ पर सेकंड साइड यहाँ पर इंजेक्शन डलवा सकते हो। तीसरी जो साइड है चेस्ट होती है, ठीक है, यहाँ पर चेस्ट की जो भी यहाँ से यहाँ पर साइड होती है ना, यहाँ पर भी आप स्किन के नीचे यहाँ पर आप इंजेक्शन लगवा सकते हो। और सबसे बेस्ट साइड जो होती है बेली की साइड होती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी लूज स्किन मिल जाती है, ठीक है, ये जो आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको टेंट बना के यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको इंजेक्शन जो है यहाँ पर लगवाना है। तो आज आपको बताएंगे सबकट इंजेक्शन यहाँ पर किस तरह से लगवाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टरलाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तो आपको कॉटन लेना है, इस तरह से कॉटन लेकर आपको उसको स्टरलाइज करना है, ठीक है, तो यहाँ की जो साइड है यहाँ पर आपको कॉटन से पहले स्टरलाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नीडल होती है, ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर लिफ्ट करके यहाँ पर टेंट बना लेना है, ठीक है, टेंट बना के यहाँ पर आपको 30 एंगल जो होता है 30 एंगल से इंजेक्ट करके यहाँ पर धीरे धीरे जो भी है आपका वैक्सीन रहो मेडिसिन रहो यहाँ पर आप पूरी तरह से दे सकते हो, ठीक है। और लगाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा आपको यहाँ पर रब करके जो यहाँ पर फैला देना है ताकि यहाँ पर स्वेलिंग यहाँ पर बिल्कुल आए, ठीक है। और दूसरी जो साइड होती है यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर नेक के पास, नेक के एरिया यहाँ पर भी काफी लूज होती है, आप इस तरह से यहाँ पर भी साइड में इंजेक्शन लगा सकते हो। आईएम इंजेक्शन किस तरह से लगवाना है, उसके बाद सबकट इंजेक्शन किस तरह से लगवाना है, इसके हमने सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाई है। और डॉग को, छोटे पपीज को स्पेशली नसों में, यहाँ पर काफी लोगों को यहाँ पर आईवी लगाने में तकलीफ जाती है, तो यहाँ पर छोटे बच्चों में आईवी हमें सलेंज किस तरह से लगानी है, और जो आईवी फिक्स होती है जब बीमारी काफी लंबी चलती है तो हमें वहाँ पर आईवी फिक्स किस तरह से लगाना है। आप देख रहे हैं अभी डॉग के हाथ में ये आईवी फिक्स लगाइए, ठीक है, तो ये नेरवोट 3 डेज से लेकर 7 डेज से आराम से चलती है, तो इसका फिक्सेशन किस तरह करना है इसके लिए हमने सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाई है। इसके सारे की लिंक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी सभी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, तो आप जाकर जरूर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पेट की छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर आपके पेट की कुछ प्रॉब्लम है जो काफी दिन से सॉल्व नहीं हो पा रही है या फिर आप किसी सेकेंडरी ओपिनियन के लिए देख रहे हो तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, यहाँ पर हमें वीडियो भेजिए, फोटो शेयर कीजिए, तो इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से आपको QR कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे जो यूज करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।